राजीव नगर 20 एकड़ को खाली करवाने के लिए आज जिला प्रशासन और पटना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और लोगों ने जमकर पत्थरबाजी किया है और आगजनी किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि पूरा राजीव नगर जो है 20 फीट पूरा पुलिस में तब्दील हो गया है और कई पदाधिकारी, जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, पटना के सिटी एसपी भी अभी मौके पर पहुंचे हैं। लगातार लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मकान को बचाने के लिए, लगातार लोग जो हैं सड़कों पर आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है? सरकार देख रहा हम लोग का तंग करके रख दिया। जिस समय एक मकान बना था उस समय एक भी सरकार नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा, पैसा ले लेके हम लोग का मकान बना दिया। आप देखिए सरकार क्या खुल गई है, अब हम लोग कहाँ जाए, आप लोग बताइए। हम लोग का मार दीजिए और दखल कर लीजिए। हम लोग का दो गो पोता है, लड़का है गो, जो मेहनत मजूरी करके जी रहा है। मार दीजिए, हम लोग भी चल जाएंगे। दखल कीजिए सरकार के, जब है तो हम लोग को मार दीजिए। आप लोगों को पता था कि ये नहीं, हम लोग का पता रहता तो हम लेते, हम लोग का पता रहता तो लेते जमीन, बताइए। घर के भी जमीन बेच के यहाँ पर खरीदते कि सरकारी जमीन है। कब जमीन लिए हैं आप? हम लिए थे 2000 मन कबे में लिए थे, हम लोग का मालूम नहीं था। आज का क्या माहौल है, पत्थरबाजी हो रहा है? माहौल है कि सरकार इस पर धावा बोल रहा है, मकान तोड़ रहा है। 5 गो तो मर गए लोग उधर, कई लोग घायल भी हुए। हाँ, कई लोग घायल होकर बैठी हुई उधर, वो हॉस्पिटल में गई लोग। क्या लगता है आपका मकान बचेगा? नहीं सर, हम लोग का तो नहीं लग रहा है कि बचेगा। अभी जो स्थिति सरकार किए हुए है, आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, लगातार पुलिस बल की जो है भारी संख्या में यहाँ पर जो है बुलाया गया है और तमाम राजीव नगर में चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी जो है 90 फीट तैयार हैं। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, पूरा क्षेत्र जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। पटना के सिटी एसपी और कई थाने की पुलिस को यहाँ पर अभी तत्काल बुलाया गया है और कई गाड़ियाँ भी तोड़फोड़ हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, चूँकि और अभी आप देख रहे हैं सिटी एसपी की गाड़ी जो है कैसे भाग रही है यहाँ से, क्योंकि घटना जो है वो काफ़ी जो है वो तनावपूर्ण है। कई पुलिसकर्मी को घायल लगा है। पैसा लगा लगा के तो लगाया है, जेवर गहना बेचा है और जेवर गहना बेच बेच के गरीब आदमी किया है, बेहोश हो रहा है आदमी। कहाँ से हम लोग के जेवर गहना जितना दे बेचा है, वही थाना वाला बोल देना चाहिए ना। थाना वाला के दिया, पानी दिया, रोड दिया, कहे दिया, थाना वाला के बोलना चाहिए, थाना वाला के बोलना चाहिए कि हम पैसा नहीं लेंगे, पैसा ले लेके मकान बनवाया है। कितना कुल कहाँ जाएगा रहने के लिए? सरकार दे रहा है रहने के लिए, सरकार दे रहा है रहने के लिए, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी तो ऐसे मर जाएगा। कुछ नहीं, नगर निगम का रसीद क्यों कट रहा है? ये पोल बिजली क्यों दिया गया बतलाइए? मकान जब टूटा है तो यही था तो नहीं देते, पावर नहीं देते, रजिस्ट्री नहीं देते, सब बंद कर देते। आज 20 साल के बाद नींद खुला है सरकार का, कहाँ था पहले? पहले कहाँ था जब हम लोग बना रहे थे? उस समय तो पैसा ले लेके पुलिस बनवाया, आवाज अनलीगल हो गया। गजब का तमाशा है, इतना बाप रे बाप, कर्जा ले करके गहना बेच करके हम लोग जमीन मकान बनाए हैं, चल जा एकदम, कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा?